खबर जयपुर से है, जहां ईआरसीपी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी एक बड़ी परियोजना है, इससे प्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटें जीतने का भी दावा किया। इसको लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर यूके शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की, देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता धन्यवाद आभार यात्राओं को निकाल रहे हैं। 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर जनजागरण बीजेपी कर रही है, बता रही है कि ईआरसीपी जो परियोजना है उसका आगाज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। अब शेखावाटी की तरफ भी यात्रा जाएगी और यमुना जल समझौते के बारे में बताएगी। हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जी। जोशी जी, जिस तरह यात्राओं का एक आपने अचानक से बिल्कुल तूफान की गति के साथ बढ़ रही हैं, तो क्या लगता है कि माइलेज मिलेगा जो काम ईआरसीपी को लेकर हुआ है? देखिए, असंभव को भी संभव कर दे वो है भाजपा, और ये नरेंद्र मोदी जी के शासन में संभव है। उनके नेतृत्व में जो बड़े काम थे, आप ये देखिए कि अटल जी के समय नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू हुई, और माननीय वसुंधरा जी पूर्व में जब मुख्यमंत्री थी तब इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस परियोजना को डीपीआर तक आया मामला। कांग्रेस की सरकार आई और 5 वर्ष तक कुछ नहीं किया। अंतिम 1-2 महीनों में बोले हम ईआरसीपी लेके आएंगे, ना उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ कोई इसको समझौता किया, चूंकि बिना मध्य प्रदेश के पॉसिबल नहीं था, और जब मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी तब उन्होंने उसके लिए मना किया डॉक्टर कमलनाथ जी ने। तो आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का फिर से प्रयास किया गया। जनता के प्रति आप संवेदनशीलता तब दिखती है जब आप शासन में आते ही उस काम को शुरू करें, और जब चुनाव आए तब तक उसको आप पूरा पूर्णता की ओर ले जाएं। लेकिन इस सरकार ने हमेशा से सत्ता के चुनाव के समय में कुछ चीजें देने, जनता के सामने लाने का काम किया। जनता ने उनको सबक सिखा दिया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पहले दिन से उसको अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया, चाहे एमएसपी के दाम बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन करना हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन 450 में देना हो, ऐसे अनेक निर्णय थे जो उन्होंने पहले माह में कर दिए। ईआरसीपी एक बड़ी परियोजना जो पूर्व के 13 जिले और वर्तमान के 21 जिले उस परियोजना से लाभान्वित होंगे। मैं सोचता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर इस परियोजना को हरी झंडी दिलाई, और 45,000 करोड़ की यह परियोजना निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जो लंबे समय से सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा बन रही थी, लेकिन अब ये परियोजना स्वीकृत हो गई है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए इनिशिएटिव लेकर इस परियोजना को मंजूरी दिलाने का काम किया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की और जल शक्ति मंत्री जी का सबका आभार प्रकट करते हैं। यमुना जल समझौता, देखिए कोई मान ही नहीं रहा था कि यह हो जाएगा, और 30 वर्षों से इसके लिए सिर्फ बातचीत होती रही, पत्राचार होता रहा, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परियोजना को, मैं सोचता हूं सीकर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में, शेखावटी क्षेत्र में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान होगा कि उस क्षेत्र में जो पानी की समस्या थी उसका संकट का समाधान मिलेगा। राहुल गांधी भी आए हैं और उसी इलाके में आए हैं जहां ईआरसीपी बहुल वो इलाका कहा जाता है, और ये दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि जो कुछ ईआरसीपी के लिए किया गया वो कांग्रेस के राज में हुआ। क्या हुआ उनको बताना चाहिए, कांग्रेस के राज में क्या हुआ यह जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि आपने क्या किया। सिर्फ झूठे वादे देने के अलावा कोई काम नहीं किया, और कांग्रेस ने भी 60 वर्ष तक देश को नारे और वादे दिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी राष्ट्रहित में करके दिखाया। जी, बहुत बड़ी संख्या दावेदारों की हर सीट पर आ रही है, तो कैसे इस पूरे पैनल का काम होगा 25 सीटों को फिर से जीतने के लिए, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जहां जीत होती है वहां दावेदार भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जिसको कमल का चिन्ह मिलेगा वो पूरी पार्टी एकजुट होकर, और जनता का भी विश्वास कमल के फूल में है और मोदी जी में है, तो 25 के 25 कमल जिताकर मोदी जी को ये माला फिर से राजस्थान की जनता पहनाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ चेहरे बदलेंगे, नए चेहरे आएंगे,
देखिए ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का और बाकी सब नीचे बातचीत होने के बाद तय होगा ये, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चेहरा कोई निमित्त वो होता है लेकिन प्रत्याशी कमल का फूल होता है और मैं सोचता हूँ 25 के 25 कमल फिर से राजस्थान में खिलेंगे। लगातार मोदी जी अलग अलग सौगातें राजस्थान को दे रहे हैं, चाहे रेलवे हो चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाएं हो। देखिए चाहे रेलवे हो चाहे हाईवेज हो चाहे ग्रामीण सड़कें हो चाहे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना हो, ये तो ये सरकार कांग्रेस की आ गई जिसने राजस्थान को इस योजना में बहुत पीछे लाकर धकेल दिया। लेकिन जहां प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला के कनेक्शन हो, जनधन के खाते हो, नरेगा का काम हो, चाहे सिविल एविएशन का काम हो, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हो, मैं सोचता हूँ अभूतपूर्व है। क्या लगता है कि हारे हुए नेताओं को विधानसभा चुनाव हारे थे उनमें से कई दिग्गज है, क्या लोकसभा भेजा जाएगा? देखिए ये निर्णय पार्टी का है, पार्टी चूंकि सामूहिक निर्णय होते हैं तो उस सामूहिक निर्णय पर क्या निर्णय पार्टी का स्टैंड रहता है, क्या पॉलिसी रहती है उस पर निर्भर। टिकट वितरण का जो दौर है वो माना जाए कब तक पहली लिस्ट राजस्थान को लेकर आ सकती है? ये देखिए इसकी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जब भी पार्टी निर्देश देगी तब इसकी लगभग हमारी तैयारियां पूरी है। अध्यक्ष जी सबके मन में एक सुगबुगाहट है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी, तो क्या लगे अभी मोटे तौर पर एक या दो ही नियुक्तियां ऐसी सामने आई है, तो क्या लगता है आफ्टर लोकसभा चुनाव? देखिए नियुक्तियों का सिलसिला चलता रहता है, जैसे जैसे मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ नियुक्तियां हुई है कुछ लोकसभा के बाद भी होगी, तो ये निश्चित है कि जहां योग्य व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं उसका समायोजन होता है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से जो कार्यकर्ता है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री तक सफर करने वाले भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने काम शुरू किया है वो अद्भुत है। कई सौगातें जो वर्षों से पेंडिंग थी उनको भी उन्होंने अमलीजामा पहनाया है। मालवीय तो आ गए, अब रेस में और कौन कौन है कांग्रेस के वो नेता जो आपसे संपर्क में, नाम तो नहीं पूछूंगा लेकिन एक जिज्ञासा तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में है। जिज्ञासा का खुलासा भी बहुत शीघ्र होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीपी जोशी जी ने दावा किया है कि मिशन 25 पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी के 25 कमल 25 सीटों पर खिलेंगे, चेहरा नहीं होगा कमल का फूल होगा। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।